Chicken marination. Chili powder. Haldi powder. Zira powder. Salt according to taste. Lemon juice. Yellow food color. Ginger garlic paste. Green chili paste. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खड़िया से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, शाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का मैंने इसको टिक्के के पीस लिए हैं चिकन के, ये देखें इस साइज़ के कट लगा लिया था और मैंने इनको मैरिनेट भी कर दिया था। मैरिनेशन के लिए जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट लिया है। उसके अलावा इसके अंदर नमक है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और लेमन जूस है, और साथ में जर्दे का रंग वो डाल के मैंने स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, जितने जितने आपको पसंद है उसी हिसाब से आप डाल लें। उसको मैरिनेट करके मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था, फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसको कुक करेंगे। इसके बाद इसको हम कोयले का स्मोक भी देंगे और फिर इसको फ्राई भी करेंगे, तो वो सारा प्रोसीजर मैं आपके सामने ही करूँगी। तो सबसे पहले हम इसको कुक करने के लिए रख देते हैं। फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, उसके अंदर हल्का सा मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल नॉर्मल सा डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी था इसके अंदर, वो भी डाला है। अब हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन दम लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए इतने पीस होने चाहिए आपके, और मैंने ये देखिए कट्स भी लगाए हुए हैं, टिक्के वाले कट्स हैं ये। जो मसाला बचे वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको कवर करके आपने तकरीबन पकाना है। चिकन में से पानी निकलेगा, वो इसी पानी में जो है वो चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। इसको कवर कर देंगे। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने इनको टर्न आउट किया और इनका कितना खूबसूरत कलर आ गया है और साथ में ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब 2 मिनट के लिए हम इनको इस साइड से पकाएंगे। एक साइड से ये पक गए, फिर से हम हल्की आँच पर इनको कवर करके रख देंगे। और कोयला मैंने रख दिया है गलने के लिए, क्योंकि हमने इनको स्मोकी फ्लेवर देना है, तो कोयले का हम इनको स्मोक देंगे। कोयला रख दिया मैंने जलने के लिए। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमारी देखें चिकन हो गई है। अब हमें इन्हें कोयले का स्मोक देंगे। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। यहाँ रखेंगे हम फॉइल पेपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें चिकन को हमने स्मोक कर लिया, बहुत मज़े की स्मोक की खुशबू आ रही है। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम अभी ऐसे ही ढक्कन लगा के ढक देते हैं। मैंने बाउल में मैदा लिया है और इसके अंदर हम 1 कप जो है वो पानी का शामिल करेंगे। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और ऑयल डाल दिया फ्राइंग के लिए। इसको पकड़ेंगे, इसमें हल्का सा हम डिप करेंगे मैदे और पानी वाले बैटर में। ये बिल्कुल आपने ऐसे ही पतला बनाना है और इसको हम करेंगे फ्राई। Thank you.
मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए कितना मज़े का कलर आया है। चिकन तो हमारा पहले से ही टेंडर है, तो बस हमने इनको फ्राई करके इनको कलर देना है। फिर भी आप चूल्हे की आंच जो है वो नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ये देखिए, चिकन हमारी फ्राई हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है वो तो बहुत ही औसम है ना। तो अभी मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ कि आपने इनको किन किन चटनी और सैलड के साथ